चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों की हॉट के कहे जाने वाली अभिनेत्री अंजना सिंह ने 60वें फिल्मों के अपने फिल्मी सफर में कई तरह के किरदार को निभाया है और उस किरदार को जीवित भी किया है, लेकिन पहली बार वो इच्छाधारी नागिन के भूमिका में नजर आने वाली है। जी हां, तन्वी मल्टीमीडिया के बैनर तले बन रही फिल्म नागराज में अंजना सिंह इस काल्पनिक भूमिका में नजर आने वाले हैं। अंजना सिंह ने हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग पूरी भी किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा किरदार जो मात्र किस्से कहानी में प्रचलित हो, उन्हें पर्दे पर जीना एक ही बहुत ही बड़ी चुनौती का काम होता है, क्योंकि उन्हें ना तो किसी ने देखा होता है ना किसी उनके बारे में कोई ठोस जानकारी होती है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का निर्माण भव्य पैमाने पर जोर शोर से किया जाएगा, जिसमें काफी सारे स्पेशल इफेक्ट भी लगाए जाएंगे। अंजना सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी 6 साल के फिल्मी करियर में हर तरीके का किरदार निभाया है, लेकिन यह किरदार बेहद ही अलग संजीदा ढंग से फिल्माया गया है। उल्लेखनीय है कि कम समय में सर्वाधिक फिल्मों का रिकॉर्ड बनाने वाली अंजना सिंह ने हाल ही में मुंबई में सब रंग भोजपुरी फिल्म अवार्ड में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। उन्होंने सब रंग में 2 अवार्ड अपने नाम कब्जा लिया है। नागराज में उनके अपोजिट हैं यश कुमार, जबकि फिल्म के निर्देशक है दिनेश यादव। अपने पति के साथ काफी दिनों के बाद रोमांस करते हुए अंजना सिंह नजर आने वाली है बड़े पर्दे पर।